फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। जनसंख्या और आर्थिक विकास में परस्पर गहरा संबंध है। किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधनों और जनसंख्या के आकार, बनावट और कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। 30 अप्रैल 2013 को जारी जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश की जनसंख्या बढ़कर 121.07 करोड़ हो गई। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पेशे से डॉक्टर और सेव इंडिया जन फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप शुक्ला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हमारा पहला सवाल जो है वो ये है कि देश की जनसंख्या में 17.7% की वृद्धि हुई। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत में जो जनसंख्या की समस्या थी वो बढ़ गई। रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो वो कम होती चले गई। तो सबसे बड़ी जो यहाँ पे प्रॉब्लम बनी हुई देश में वो ये है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कैसे पाया जाए और लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाए, तो इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि जनसंख्या हमारी बढ़ रही है और संसाधनों की कमी है, हमारी सरकारें पहले प्रयास भी करती रही हैं और सन 1952 में फैमिली प्लानिंग के ऊपर एक बिल भी आया, पार्लियामेंट में पास भी हुआ और उस पर काम भी हुआ, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि वो अपनी पूरी क्षमता के साथ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। जहाँ भी रहा हो, सरकारों की इच्छा शक्ति में कमी रही हो या पब्लिक में जागरूकता की कमी रही हो, उसकी वजह से ये आज जो हम परिस्थिति देख रहे हैं उसका मुझे लगता है यही परिणाम है। और जनसंख्या आज की तारीख में एक ऐसी समस्या है जो कि हम जितनी भी समस्याओं के बारे में बात करें, रोज़मर्रा की समस्याओं के बारे में बात करें, उसका इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट कनेक्ट है इससे, सारी डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं। आप क्राइम ले लीजिए, आप संसाधन देख लीजिए, प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी कमियां हैं और बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा आप देखिए, सड़कों पर इतना ट्रैफिक है, भीड़ भाड़ हो गई है, हमारा पर्यावरण इतना है कि प्रदूषण की जो एक मात्रा है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि अच्छा भला आदमी बीमार हो रहा है और उसका कारण स्वाभाविक है, यदि पब्लिक बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसको अपने जीवन यापन के लिए सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है और प्राकृतिक संसाधन भी यूज़ करने हैं और अप्राकृतिक भी यूज़ करने हैं जो कि मैन मेड हैं, तो उनकी वजह से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और मुझे ये लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम एंड द हाईएस्ट टाइम कि आज हमारी सरकार और जनता दोनों मिलके हैंड टू हैंड इसके ऊपर कुछ काम करें। इस पे अगर काम की बात आती है तो हमेशा से कई बार आप पिछले 5 दशकों से देख रहे होंगे कि एक के बाद एक, कभी सरकार ने, कभी लोगों ने मिलकर फाउंडेशंस बनाए या फिर सरकार ने कई जागरूकता अभियान चलाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी अभी भी बाकी है। कहते हैं कि प्रभाव कई सालों बाद पड़ेगा, इस बात को भी मानते हैं, लेकिन क्या एक कमी है जो अभी भी जो प्रोग्राम्स हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम, उस उतने सफल नहीं हो पा रहे जितने कि होने चाहिए? देखिए, आपने जो ये सवाल किया कि उसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं सफल हो पा रहे, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अभी मैंने आपको बताया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति मुझको लगता है वो सबसे बड़ा कारण है, शिक्षा बहुत बड़ा कारण है, लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लोग ये नहीं जान रहे हैं कि आज जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उसका परिणाम दूरगामी होता है। अच्छा परिणाम भी हमेशा दूरगामी ही होता है और बुरा परिणाम भी दूरगामी ही होता है। और ये भी स्वाभाविक है कि जिन परिवारों में पॉपुलेशन को कंट्रोल किया हुआ है, जनसंख्या पर नियंत्रण है उनके अपने परिवारों में, वो खुशहाल भी हैं और उनके बच्चे जो हैं वो देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी तो यही चीज़ है कि एक तो इच्छा शक्ति की कमी है, अवेयरनेस की कमी है और अशिक्षा बहुत बड़ा कारण है। तो अगर मैं जन सेव इंडिया फाउंडेशन की बात करूं तो इसका गठन जिन परिस्थितियों में हुआ वो क्या था, मतलब ओरिजिन कैसे हुआ, क्या आपका जब आपको अध्यक्षता उसकी हासिल हुई उसके बाद क्या एक आपने मोटो सेट किया कि देश को कहां लेके? नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं लगता है कि ये सब लोगों को मालूम भी होना चाहिए क्योंकि आज सेव इंडिया जन फाउंडेशन इतने साल से काम कर रहा है, लोग देख भी रहे हैं, लेकिन इसकी इंसेप्शन क्या है ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे लगता है ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि भावनात्मक जुड़ाव से जुड़ी हुई हैं। मुझे याद है बहुत समय, ये है 2014 के आसपास की बात है, स्टार्टिंग में तब मेरे पास कुछ लोग आए जिसमें राजेश शर्मा जो कि हमारे संयोजक हैं और स्नेहवीर पुंडीर हैं, प्रोफेसर हैं वहाँ यूनिवर्सिटी में, श्री प्रभात राय जी
जो कि पूर्व राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकारी हैं और एक आपके श्याम मोहन गुप्ता जी हैं, ये सब चार पांच लोग मुझे ध्यान है मेरे पास आए, मेरे क्लिनिक पर ही आए मेरे पास और बोले डॉक्टर साहब आपसे बात करनी है और हम ये चाहते हैं कि ऐसे ऐसे हम एक फाउंडेशन बनाना चाहते हैं कि आज की जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं पॉपुलेशन की से ही जुड़ी हुई हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम करें और हम सरकारों को भी इसके लिए झुकाएं या मजबूर करें वाट एवर, तो हम ये चाहते हैं कि आप उसमें हमारे को अध्यक्ष की तरह से। तो मैंने कहा मुझे तो क्षमा कीजिए क्योंकि मेरा प्रोफेशन डॉक्टर का है, मेरी अवेलेबिलिटी हर वक्त नहीं हो पाएगी क्योंकि इस तरह के संस्थानों को चलाने के लिए आपकी अवेलेबिलिटी भी ज़रूरी है, समय भी देना होगा और जाना हाँ। मगर समहाओ जब हम बैठे हमने बात की तो हमें ऐसा लगा कि हाँ बात तो ठीक है और हमको भी चिंता अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए करनी तो पड़ेगी क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपनी शहादत दी उन लोगों ने भी अपने जीवन के लिए नहीं हमारे लिए यानी कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके लिए सोचा ना, तभी तो उन्होंने इस तरह के काम किए क्योंकि उनका तो जीवन एक तरह से हम कहें यदि किसी मोटी सी भाषा में उन्होंने अपने जीवन को नर्क बना दिया क्योंकि जितनी यातनाएं उन्होंने झेली परिवार को छोड़ा उनके परिवारों ने भी कष्ट उठाए, तो इसलिए उठाए कि आगे आने वाला भारत देश हमारा वो बहुत ही खुशहाल हो और हमारी जो पीढ़ियाँ हैं उनको एक ऐसा वातावरण मिले जिसमें बहुत अच्छा जीवन यापन करें और तरक्की करें और देश और दुनिया में अपना एक अच्छा स्थान बना पाए। इसीलिए अब आज के जो जनरेशन है उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो आगे। हाँ स्वाभाविक सी बात है क्योंकि मैं एक चीज़ महसूस करता हूँ कि हम लोग जिन साधन और संसाधनों को यूज़ कर रहे हैं एक समाज के अंदर वो हमारे बनाए हुए नहीं हैं, वो हमारे पूर्वजों के दिए हुए हैं, जिन स्कूलों में हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या जिन वातावरण में हम रह रहे हैं, तो क्या हम भी जब पूर्वज होंगे तो हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इस विषय में कुछ सोचेंगी तो उनको लगेगा कि अधिकार है, हम तो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। तो ठीक है अपना एक जो हम कारोबार सब लोग कर रहे हैं, सब लोग अपने उसमें व्यस्त हैं क्योंकि सबको अपनी एक जिसे कहते हैं लाइवलीहुड के लिए अपना प्रोफेशन करना है, लेकिन एक हम लोगों का एक दायित्व बनता है कि हम लोग जो है अपनी समाज के लिए आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए और सबसे बड़ी बात अपने देश के लिए हमको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ये सोचकर हमने इंसेप्शन किया। हम लोगों की मीटिंग्स हुई, लोग जुड़ते गए, अच्छे लोग जुड़ते गए और 2014 में हमने जो है 5 नवंबर को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जो कि यूनिवर्सिटी में हुआ था और इसमें सभी लोग आए। और मगर एक बात मैं आपको एक कहनी चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कहनी, हमारा जो सेव इंडिया जन फाउंडेशन है ये पूरी तरह से अराजनैतिक और असाम्प्रदायिक फाउंडेशन है। यहाँ पे सवाल अगला वैसे मेरा यही था कि जब भी किसी फाउंडेशन की बात आती है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जनसंख्या एक ऐसा मुद्दा बन चुका है, सारी प्रॉब्लम उसी से जुड़ी हुई है, आप पर्यावरण को ले लीजिए, बेरोजगारी को ले लीजिए, गरीबी को ले लीजिए, तो जनसंख्या एक ऐसा मुद्दा है। यहाँ पर एक फाउंडेशन के सामने स्ट्रगल ये होता है कि लोग उसे संघ से, राजनीति से या फिर पार्टी से जोड़ने लगते हैं, धर्म से जोड़ के देखने लगते हैं, ऐसे में आपने क्या क्या स्ट्रगल फेस किया है? लोगों की जो ऐसी सोच बन गई है कि कोई पर्टिकुलर धर्म को लेकर हम टारगेट कर रहे हैं जनसंख्या के मुद्दे को लेकर, वहाँ पर आप कैसे लोगों की सोच को बदलना चाहेंगे? देखिए ये आपने कहा वास्तव में बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जितना कि हम लोग समझते हैं। वास्तविकता क्या है कि आज की तारीख में जनसंख्या से उत्पन्न जितनी भी परेशानियां और परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे, हर व्यक्ति कर रहा है समाज का, और चाहे राजनीतिक परिदृष्ट कोई भी रहा हो, संसाधन हर व्यक्ति करता है यूज़, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति विशेष का व्यक्ति हो, सब लोगों को सेम ही वातावरण में, सेम ही लिविंग कंडीशंस में रहना है और जो परेशानियां उठाते हैं वो सबको उठानी है। तो लोगों तक गए हम लोग, बहुत सेमिनार किए, बहुत ज़्यादा सेमिनार, जगह जगह जाके गांव-गांव में, शहरों में बहुत ज़्यादा सेमिनार किए, हमारी पूरी टीम है जो लोग हर वक्त लगी रहते हैं और लोगों को समझा रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिव। शुरू में ऐसा निश्चित तौर पे आया, लोगों ने इसको विशेष एक संप्रदाय से या उससे जोड़कर बात हमसे की, लेकिन हमने उनको कन्विंस किया, दे वर कन्विंस्ड, क्योंकि देखिए जो आदमी आपसे सवाल कर रहा है वो इसलिए सवाल कर रहा है कि उसको एक ऐसा जवाब चाहिए जो कि इससे वो संतुष्ट हो, तो हमने प्रयास किया और हमको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। आप यकीन जानिए बहुत सारे, देखिए हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख ईसाई हों, सब संप्रदाय के लोग हमसे पूरी तरह जुड़े हुए हैं, तन मन धन से जुड़े हुए हैं, और जो हम आगे हमारा जो आंदोलन है
जिसके बारे में बात करेंगे 2 अक्टूबर का, उस पर आप यकीन जानिए कि उनकी इतनी ज़बरदस्त एश्योरेंस सपोर्ट हम लोगों को मिली हुई है, तो हमें तो पूरा विश्वास है कि हम सफल भी होंगे इसमें। तो यहाँ 2 अक्टूबर की बात आई गई है, तो वैसे तो हमारे दर्शक लगातार हमसे जुड़े रहते हैं और जानते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं चाहूँगी आप अपने आप खुद से बताएं एक बार उसके पूरा प्रारूप। हाँ, मैं इसलिए, अच्छा है आपने मुझसे कहा, मुझे मौका दिया। देखिए, हम जब सेमिनार करते रहे, बहुत सारे सेमिनार्स हुए हमारे, बड़े बड़े गणमान्य लोग आए, हमने मानव श्रृंखलाएँ बनाई, हमने शहर में अपने जो हैं जागरूकता अभियान चलाए, और आप यकीन जानिए यदि हमने 10 लोगों की एक्सपेक्टेशन की तो वहाँ पर 100 लोग थे हमारे लिए खड़े हुए। सब लोगों ने यही कहा कि बहुत अच्छा मिशन है, और क्योंकि हम लोगों ने कभी भी किसी राजनीतिक या किसी धर्म विशेष को नहीं जोड़ा, और ना हमारी ऐसी भावना भी है, हैं, तो हमको लोगों ने निश्चित तौर पे बहुत अच्छा वो दिया। तो ये चलता रहा कि कहीं ना कहीं हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, अपने लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि यदि कोई एक कानून बनाया जाए या कुछ बनाया जाए तो वो तो सरकारों के हाथ में, भारत सरकार बनाएगी, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग आपस में अवेयरनेस प्रोग्राम तो चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये भी आवश्यकता बन गई कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारी बात जो है वो भारत सरकार तक पहुंचे, क्योंकि वही जो है इसमें कुछ कर सकती है जिससे कि हमारे देश का कुछ भला हो। तो ये सोचते हुए काफ़ी समय से ये हमने प्लान बनाया कि ठीक है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मोत्सव होता है, और एक ऐसा दिन है कि जिसमें हम यदि कोई संदेश लेके जाएंगे तो सारी दुनिया का मीडिया देखता है। बिल्कुल। और एक ऐसा दिन है, अहिंसा के जो वो थे पुजारी थे उनका दिन है, तो हम तो अहिंसा भी वाले हैं, हम हिंसा की भी बात नहीं कर रहे, और बड़ी अपनी बात को जिसे कहा जाए बड़ी विनम्रता से सरकार तक पहुंचाना है। तो ये हमने प्लान करके फिर ये सोचा कि 2 अक्टूबर का दिन ठीक रहेगा। 5-6 महीने पहले हम लोगों ने प्लान किया था, उसके बाद एप्रिहेंशन भी रहा लोगों में, कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा, लेकिन पॉजिटिविटी मिलती चली गई। तो हमने फिर यही सोचा कि 2 अक्टूबर में एक जो है जागरूकता रैली जिसे कहा जाए, जन जागरूकता रथ यात्रा दिया गया, और उसके ऊपर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, हमारे सारे लोग काम कर रहे हैं, पुराने लोग हैं, अभिनव चौधरी हैं जो कि शूटर हैं वो लगे हुए हैं, और आपकी मीरा मिश्रा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैंने कुछ लोगों के नाम लिए भी, कुछ नहीं लिए भी, और कई बार नहीं बताया, लेकिन बहुत यूनिवर्सिटी के हमारे जो हैं छात्र संघ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, व्यापार संघ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और किसी ने भी हमको ये नहीं कहा कि नहीं साहब ये तो ऐसा काम है हम तो नहीं आएंगे इसमें साथ, तो पूरे तन मन धन से हमारे साथ लगे हुए हैं, और जब भी कभी हमें कोई परेशानी आती है तो हमारे लिए खड़े हुए हैं, और उन्होंने कहा हम इसको सफल बनाने में काम करेंगे। पहले भी हमारे यहाँ कुछ जैसे लोगों ने बात करते हैं, हम रथ यात्रा निकाल रहे हैं जो सुबह 8 बजे से यहाँ मेरठ से शुरू होगी और शहीद स्मारक से, और फिर वहाँ दिल्ली तक हमारा है जाने का, जो कि शाम को 4-5 बजे जब भी हम पहुँच पाएंगे, और उसमें हम बहुत सारे वाहन हैं, पर्टिकुलरली कार वगैरह हैं लोगों की अपनी, तो हमने सबसे निवेदन ये किया है कि सब अपने अपने माध्यम से 5-5-6-6 गाड़ियाँ लाएँ, अपने दोस्तों को भी कन्विंस करें, खुद भी हों, और मोटरसाइकिलें भी लेके चलें, और इसे काफिले को एक मैसेज के लिए जाएं लेके, और वहाँ पर हम अपना ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के लिए तैयार करेंगे, वो वहाँ पर उनको देंगे, और ये निवेदन करेंगे कि आप लोग सक्षम हैं तो देश की भलाई के लिए इसके ऊपर कोई कानून, हाँ, तो वो तो नेचुरली उसमें जुड़ना है, तो लोगों का जगह जगह हम लोग दिल्ली तक जितने भी लोग हैं, जितने हमारे छोटे छोटे कस्बे हैं, सब जगह पर हम संपर्क किए हैं, सब लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं चाहूंगी कि जो लोग नहीं भी जुड़े हुए हैं वो आज आपको आपकी बातों को सुनने के बाद जरूर प्रभावित हुए होंगे, आप भी अगर इस रैली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जरूर बन सकते हैं। क्या आप एक मैसेज देना चाहते हैं उन सब लोगों को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मैसेज तो मैं यही देना चाहता हूँ कि ये एक भारतवासी का वो है आंदोलन कहें या जो भी हम अपनी एक भाषा में बोलें, इसका किसी धर्म जाति या किसी राजनीतिक पार्टी से कोई जुड़ाव नहीं है। हम लोगों को अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों की चिंता करनी भी चाहिए, और साधन संसाधनों की जो कमी हो रही है और बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं जिसके बारे में हम लोग रोज़ पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, महसूस करते हैं, उनसे हमें निवारण करना है, तो उसके लिए सब लोग जुड़ें, और कहीं से भी हमारी या किसी भी व्यक्ति की ऐसी दुर्भावना नहीं है कि किसी का मन दुखाया जाए, किसी को आहत किया जाए। और बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं
जैसे रविंद्र मलिक जी हैं, उनको हम लोगों ने वो बनाया हुआ है, इसका पूरी जो हमारी यात्रा है उसका संयोजक बनाया हुआ है, और बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं, नाम मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहे इस समय, लेकिन हम सब लोग पूरी टीम बहुत मजबूत है और हमें सफलता भी मिलेगी ये भी निश्चित है। तो 2 अक्टूबर को जितने लोग आपके साथ जाने वाले हैं उनके लिए क्या एक मैसेज है, किस क्या कहकर उनका मनोबल बढ़ाना चाहते हैं कि पूरे जोश के साथ वो इस जनसंख्या नियंत्रण के का जो जागरूकता अभियान की एक रैली है 2 अक्टूबर को, उसमें बिल्कुल जोरों शोरों के साथ पूरे जोश के साथ वो आगे आए, तो क्या एक मैसेज उनके लिए? मैसेज सबसे बड़ा तो ये है कि हम ये निवेदन कर रहे हैं हमारे जितने भी प्रचार प्रसार के माध्यम, उसमें कि हम कहते हैं कि एक दिन राष्ट्र के नाम आप जरूर दें, और 2 अक्टूबर है, मुझे लगता है कि जो सबके व्यस्तता भी उसमें कम होती है, छुट्टी का दिन होता है, और मैं तो इसमें कहता हूँ हम लोग अपने बच्चों को भी प्रेरित करें कि वो भी इसमें शामिल हों, क्योंकि वही हमारी भावी पीढ़ी हैं। और दूसरा जो एक बहुत ज़रूरी मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि 2 अक्टूबर क्योंकि 150वीं जयंती मना रहे हैं, और भारत सरकार का भी इसमें पूरा वो है, मंशा है कि हम इस देश को स्वच्छ बनाएं, स्वच्छता अभियान है, तो इसलिए मेरा एक निवेदन है एक संस्था के अध्यक्ष के माने मान लीजिए या एक आम नागरिक के माने मान लीजिए कि हम लोग जितने भी लोग जाएं, हम लोग सफाई का ध्यान रखें, अपने साथ कैरी बैग रखें जिसमें अपना वेस्ट मटेरियल जो भी खाने पीने का सामान है वो सड़कों पर ना गिराएं, पानी की बोतल हो या कोई भी इस तरह का सामान है, जिससे कि एक मैसेज के साथ 2 मैसेज चले जाएँ। बिल्कुल, एक मैसेज तो ये चला जाए कि हम देश के लिए जो है कानून की मांग कर रहे हैं, एक ऐसा कानून जो सबको एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि ये तो एक डिबेटेबल मैटर है। बिल्कुल, इसमें तो सरकारें बैठेंगी, उनके एक्सपर्ट बैठेंगे, हमारा उसमें क्या रोल होगा नहीं होगा हम नहीं कह सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो ये कह रहे हैं कि साहब इसके ऊपर भी कुछ काम कीजिए, इस समस्या से लोगों को निदान दिलवाइए, है ना। और तो बाकी ये है कि सब करें जिससे कि मैसेज ये भी जाए कि हमें अपना भारतवर्ष खुशहाल बनाना है, स्वच्छ बनाना है, और एक ऐसा देश बनाना है जो कि अब इस दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट करे। जी, देश में सुखी सबका जीवन हो और सब समृद्ध रहे, और ये 2 अक्टूबर का जो आपका प्रोग्राम है इसके लिए जन फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो में आए, आपने लोगों तक एक बहुत ही अच्छा मैसेज पहुँचाया कि 2 अक्टूबर को जो रैली निकलने वाली है उसमें आप सभी लोग अपने साथ कैरी बैग्स रखें ताकि कोई भी कूड़ा इधर उधर ना फेंके, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ही स्वच्छ भारत अभियान जो चला था उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका इनिशिएटिव लिया था, तो 2 मैसेज एक साथ उस दिन जाने वाले हैं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए सर, एक बार फिर से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच मुझे मौका देने के लिए, क्योंकि आपके माध्यम से मुझे लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकेंगे, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों का सपोर्ट जैसे हमें मिल रहा है आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि मिलता रहे, तो हमारा यह अभियान सफल होगा। जी बिल्कुल सफल होगा, इसी कामना के साथ हम आज विदा लेते हैं, और आप भी अगर जन इंडिया सेफ फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं तो सारे डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, उन्हें नोट डाउन कीजिए, आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस आपके सामने है, इजाजत दीजिए, फिर से लौटेंगे देश में किसी भी बड़े मुद्दे पर बातचीत को लेकर, एक खास शख्सियत को लेकर जो आपसे अपने सुझाव साझा करें। नमस्कार।